Welcome to everyone. Today we discuss about the very interesting chapter that is garbage in and garbage out. तो चलिए start करते हैं हम लोग पहला topic. क्यों रखा जाता है, कैसे हम अपने आसपास की जगह को साफ सफाई रख सकते हैं, जो हम डस्टबिन यूज करते हैं उन्हें किस प्रकार से यूज करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो छोटी मोटी बातें हैं लेकिन काफी केयरिंग है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे. पहला हमारा दिया है डस्टबिन क्या होता है. डस्टबिन द यूटेंसिल और स्पेस वेयर द वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड. ठीक है, द स्पेस वेयर द वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड. The space where the waste material is collected. Okay, the space where the waste material is collected is called dustbin. Okay. द स्पेस वेयर द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड. आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, आपके स्कूल में, बड़े बड़े ऑफिसों में क्या होता है, एक डस्टबिन आपको दिखाई देता है. ओके, डस्टबिन आपको दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है यूज मी और एक्सेट्रा, जो भी है, मंकी बना रहता है, डंकी बना रहता है. तो उसका कहने का मतलब ये है, डस्टबिन का नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि डस्टबिन में आप अपने जो भी कचड़े के सामान हैं उसको फेंकिए. बट इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डस्टबिन. ओके, types of dustbin. Types of dustbin में आपका क्या आता है, एक आता है ब्लू डस्टबिन और एक आता है आपका ग्रीन डस्टबिन. ओके, फर्स्ट आता है आपका ब्लू डस्टबिन और दूसरा क्या आता है आपका ग्रीन डस्टबिन. ओके, ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन, दो टाइप के डस्टबिन होते हैं. अब आपका ग्रीन डस्टबिन में क्या रखा जाता है, ब्लू डस्टबिन में क्या रखा जाता है, मैं आपको इससे पहले दो चीज़ें आपको बता दूं कि पहला क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है उसको किसको बोला जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है. ठीक है, तो हम लोग उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे. ठीक है, बच्चा बोल रहा है कि सर उसको पहले बाद में बताइएगा, कोई बात नहीं बच्चा, टेंशन नहीं लेना है ना. तो ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन क्या होता है. ब्लू डस्टबिन में होता है द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो कि सॉइल के द्वारा डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, मतलब विच आर नॉट इजली डिकम्पोज बाय द सॉइल. ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डस्टबिन. टाइप्स ऑफ डस्टबिन हम लोग देखेंगे कि आपका एक ब्लू डस्टबिन होता है और दूसरा होता है ग्रीन डस्टबिन. फर्स्ट हम देखेंगे ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन. आपने तो देखा टाइप्स ऑफ, लेकिन ब्लू डस्टबिन का यूज क्या है, ग्रीन डस्टबिन का यूज क्या है. ओके, तो इसमें वैसे सब्सटेंस को रखा जाता है, ये ब्लू डस्टबिन में वैसे सब्सटेंस को रखा जाता है जो सॉइल के द्वारा इजिली डिकम्पोज हो सकता है. ओके, इसमें देखेंगे द मटेरियल विच आर इजिली डिकम्पोज. मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉइल में इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस इजिली डिकम्पोज नहीं होते. जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बकेट है. क्या हमारा एक बकेट है, एक बकेट है, इसमें हमने क्या भर दिया, सॉइल. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस डालेंगे. कुछ सब्सटेंस मतलब आपने जो खाना खाया जो बच गया उसको इसमें डाल देते हैं. ओके, वेस्ट फूड पार्टिकल्स डाल देते हैं. ये जो फूड पार्टिकल्स मैंने इसमें डाला, ये क्या होगा, इजिली डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में. तो ये फूड पार्टिकल्स मैंने डाला, ये इजिली डिकम्पोज जाएगा सॉइल में, मीन्स ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. मीन्स ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. द मटेरियल्स विच आर इजिली डिकम्पोज, मटेरियल के जगह पे मैं सब्सटेंस बोल रहा हूँ बच्चों, तो मटेरियल विच आर इजिली डिकम्पोज बाय सॉइल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. जो हमारा फूड पार्टिकल्स हो गया, लीव्स हो गया, मतलब जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उसको छोड़ के सबके सबके यहाँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. जैसे रोटी, सब्जी, जो बच जाता है फूड पार्टिकल्स, फ्रूट्स के छिलके और आपके जो पेपर है, पेपर भी वो भी डिकम्पोज होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम उसमें लगता है, थोड़ा टाइम लगता है.
ऐसा नहीं कि वो बाकी पार्टिकल्स के तुलना में उसको गलने में समय लगता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की, अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, ग्लासेस की, जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो वो सॉइल में डिकम्पोज इजिली नहीं होते हैं। देखिए, आपको जो चीज़ें पढ़नी है, जो ये सब क्या बेसिक्स है, ठीक है, आपको ये बेसिक क्लासेस पढ़ने हैं और आपको समझना है बातों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा और आगे क्लासेस में आपको ये काफ़ी नॉलेज जो है काम आएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, अब हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? ओके, द सब्सटेंस, द मटेरियल्स बोलिए, ताकि मटेरियल्स आपको इजीली समझ में आएगा, द मटेरियल्स विच आर नॉट डिकम्पोज्ड, ठीक है, जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता है सॉइल के द्वारा, विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल। ओके, अब आप बोलोगे सर ये डिकम्पोज सॉइल कैसे करेगा? बच्चा, यहाँ डिकम्पोज करने के लिए क्या प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोज करेगा इसमें पाने जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स डिकम्पोजर कौन है हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वेरी गुड। बच्चा लिखा कमेंट बॉक्स में सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम, जो क्या करेगा? डिकम्पोज करने में मदद करता है, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होंगे, आर नॉट डिकम्पोज, ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिखेंगे हम क्या? प्लास्टिक्स। ओके, एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स में लिखेंगे प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक्स मटेरियल जो भी है वो डिकम्पोज सॉइल में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, और हमने समझा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए VVI। ओके, ये कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी डिस्कस दी नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे सब्सटेंस दे दो जिसको खाने से क्या होता है, बीमार पड़ जाएंगे इंसान, ठीक है। ऐसा करो, मुझे मैगी ले आओ और ये चाउमीन, ये जो ठेले पे है ना, ये सब आप खा लो, क्योंकि आपको तो यही पसंद है ना। एक बच्चा मुझे कह रहा था सर मुझे आई थिंक मैंने क्वेश्चन दिया कि व्हाट यू वांट टू ईट। ओके, तो मैंने उसमें दिया मैगी, समोसा, चॉप, और मैंने कुछ ऐसा लास्ट में दिया था, मतलब चारों फास्ट फूड दिया। तो मैं ये देखना चाहता था कि बच्चों को फास्ट फूड में भी सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो मुझे लगता है कि चॉप। और एक बच्चे ने कहा कि सर मैं चॉकलेट लिख सकता हूँ। अरे बच्चा, खाना क्या है वो मैं बताऊँगा। ग्रीन वेजिटेबल खाओ, खाओ तो सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाने के लिए खाओ, खाने की चीज़ें खाओ, एडिक्ट नहीं होना है, मीन्स आपको आदत नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ खाना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं, मैं बात करने वाला था कि जो हम खाना खाते हैं, जो हमने पैकेजिंग करके मटेरियल्स को मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, अमेजन से मंगाया, जो भी हमने ऑनलाइन जो भी हमने ऑर्डर्स करते हैं, उसके बाद जो सामान हमारे घर पे आया, आने के बाद प्लास्टिक्स के जो रैपर्स बच गए, ओके, वो हम लोग क्या करते हैं? फेंक दिया, उठाया, फेंक दिया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? देखो, ये है हमारे पास डस्टबिन, ये डस्टबिन है, हम भी रखते हैं, हम भी, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इसके अंदर रहता है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक्स, रैपर्स, पेपर जो भी हैं, सब इसके अंदर है, ठीक है। तो ये ब्लू डस्टबिन है, और मैंने आपको क्या बताया? ब्लू का फंक्शन आपको बताया ना मैंने, ब्लू का बताइए क्या बताया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये डस्टबिन मैं क्यों रखा हूँ? ताकि अगर इसको फॉलो नहीं करता हूँ, तो अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप कैसे फॉलो करोगे? मीन्स फर्स्ट आपको डेडिकेट होना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कैसे अवेयर करोगे, अवेयर द पीपल्स ऑफ सोसाइटी। ओके, जो भी आपके सोसाइटी के लोग हैं उसको कैसे अवेयर करना है? पहले आप डेडिकेट हो, पहले अपने घर को साफ सुथरा रखो, बगल जितने भी आस पड़ोस है उसको साफ सुथरा रखोगे, तो आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा कम अच्छे से रहो, थोड़ा साफ सफाई रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, मलेरिया हो सकता है, या फिर कोई भी डिजीज़ फैल सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेडिकेट होना होगा, तभी आपके सोसाइटी के लोग सुनेंगे आपकी, है ना। जैसे होता है ना, किसी के घर के पास से हम गुजरते तो बोलते यार क्या गार्डन है, क्या अच्छा है, फूल लगाया, क्या बढ़िया सा, तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ओके, तो हमें ये चीज़ पता चलता है। तो वही मैं कह रहा था कि फर्स्ट आप डेडिकेट हो जाओ, अपने घर के डस्टबिन रखो, डस्टबिन पर यूज़ करो, किचन वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करो। लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे मान लिया जाए
फर्स्ट टू अवेयर द पीपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हम सोसाइटी के पीपल को अवेयर करेंगे। नाउ हमारा सेकेंड काम क्या है, यूज द वेस्ट मटेरियल एज अ मैन्योर। ओके, हम लोग वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे किचन में भिंडी, करेला, लौकी, पम्पकिन, कद्दू वद्दू जो भी है, ठीक है, सब कुछ बच गया, समोसा पकौड़ी जो भी खाया ये सब क्या हो गया, बच गया। बचने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको रख देंगे कहाँ रखेंगे, बच गया, डस्टबिन में डाल दिया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मैन्यूर बना सकते हैं, ठीक है, खाद बना सकते हैं। और ये खाद बनाने का प्रोसेस हमने क्या किया, एक बकेट में डाला और इसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और वो क्या होगा, और सड़ जाएगा और एक मैन्यूर बन जाएगा। बट अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या, यहाँ पे लेके आ जाओ, ये मसाला पीसने वाला जो है ना, ची ही, उसमें आप क्या करोगे, इसको डाल दोगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट होता है ना, तो 1 2 3 ऐसे घुमाने वाला है ना, घर पे बड़ा मज़ा आता है ना घुमाने में। ओके, तो इसमें आप डाल दो, खीरे का छिलका बच गया, कद्दू का छिलका बच गया, करेले के छिलका बच गया, जो ग्रीन वेजिटेबल काटा गया उसके बाद जो बच गया उसको आप क्या करो, इसमें डाल के उसको क्या करो, पीस लो। पीसने के बाद क्या होगा, पीसने के बाद आपका ये बन जाएगा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, पानी डाल के पीसोगे सॉल्यूशन बन जाएगा। और फिर इसको आप क्या कर सकते हो, मैन्योर में इस्तेमाल कर सकते हो। मींस वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ है बच्चों। जैसे होता है ना कि हम लोग आर्ट आर्ट के सामान बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, बॉटल्स को काट के, प्लास्टिक के बॉटल्स को काट के गुलदस्ता बना दिया, ऐसा होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन अब लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, अभी सबको बना बनाया चाहिए ना, ऑनलाइन देख लिया 300 रुपये का, अरे गुड़िया मिल रही है नाश्ते में, गुड़िया मिल रही है ले लो भाई, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था, हमारे स्कूल के समय में एक आर्ट टीचर आते थे, बोलते वेस्ट प्रोडक्ट से बनाओ, तो हम लोग क्या करते थे, ये पेप्सी की बोतल जो होते ना उसको काट के हम लोग गुलदस्ता बनाते थे, ऐसे कैंची से हर तरह से काट के ऐसा गोल जैसा बन जाता था, काफ़ी अच्छा लगता था। और उसमें क्या करते थे पता है, थर्माकोल की गोली उसको लगा देते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो तो खैर पुरानी बातें थी, अब मुझे नहीं लगता कि बच्चे ऐसे करते क्या, अरे वाह करते हो, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका बॉटल्स में, हम लोग क्या किए, बॉटल्स में नहीं सॉरी, ये जो हमारा ये जो मसाला पीसने वाला उसमें डाल के आप सॉल्यूशन बना सकते हो अगर आपको तुरंत चाहिए। तो इसमें होता है क्या, ऐसे केले के छिलके, उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाता है, पोटासियम ज़्यादा पाया जाता है, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है वो सब उसमें पाया जाता है। और उसमें ही नहीं बल्कि जितने भी हम लोग वेस्ट मटेरियल्स किचन के वेस्ट होकर उसको यूज़ किया जाए तो एक अच्छा मैन्यूर बनेगा। ओके, और वो प्लांट्स के लिए कोई भी नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर। ओके, यूज द वेस्ट मटेरियल एज अ मैन्योर एंड कैन बी यूज्ड, जो भी आप लिख सकते हो आप लिख सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा कि यूज डस्टबिन। ओके, हाउ वी अवेयर द पीपल एंड हाउ वी मिनिमाइज द पॉल्यूशन। ओके, हाउ वी मिनिमाइज द, इसमें हम लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी मिनिमाइज द यूजिंग वेस्ट materials for using waste materials. Okay, अवेयर द पीपल्स ऑफ सोसाइटी है ना, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने के लिए हम अवेयर करेंगे पहले, उसके बाद यूज द वेस्ट मटेरियल एज अ मैन्योर एंड यूज द वेस्ट मटेरियल किसमें, फॉर मेकिंग क्राफ्ट मटेरियल। ओके, क्राफ्ट। ओके, हम लोग अच्छे अच्छे क्राफ्ट बना सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, ओके एक्सेट्रा, जो भी आपके इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमारी बातें थी कि हम लोग कैसे अपने पोल्यूट इन्वायरमेंट में लोगों को बता सकते हैं कि कैसे वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता है कि अवेयर द पीपल्स। ओके, जितना हम लोग को जागरूक करेंगे, जितना लोगों को समझाएंगे, जितना हम काउंसलिंग करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग समझदार होते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जैसे मार्केट जाते हैं ना तो बेचने वाला बोलता है ना, खीरा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी लेना है। तो होता है कि एक बार इंसान सुनता है, इग्नोर करता है, लेकिन 3-4 बार सुनने के बाद क्या होता है ना कि लोग सोचा चलो ले लेते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन पर जाओ, दस लोग बैठे, एक वहाँ से बोलेगा भैया चना लेते हैं, मज़ा आएगा, चना खाते हैं। होता है क्या कि दूसरा पैसेंजर को फिर मन करने लगता है, फिर वो भी बोलता है चना हम भी लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि एक ही डिब्बे में
एक साथ जो आगे सामने सामने बैठे हैं लोग, ओके, उसमें से अगर कोई एक बंदा खरीद लिया तो धीरे धीरे क्या होता है, 5-6 लोग भी खरीदने लगते हैं। मीन्स मेंटिलिटी, ठीक है, डैट इज कॉल्ड बिजनेस। वो क्या होता है कि लोग मेंटिलिटी को पढ़ते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि पहले अवेयर करो पीपल्स को, देन एवरी सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी, वेयर इज प्रॉब्लम, वेयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। ओके, तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। देखेंगे दूसरा पॉइंट, हाउ वी डिक्रीज द यूजेज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक बैग्स। देखिए होता है क्या कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल हमने फूड खाया उसमें पॉलीथीन में आया पैक होके, समोसा आप लेके आते हो मार्केट से, नॉर्मली लोग फास्ट फूड पैकिंग करके लेके आते हैं घर पे मम्मी पापा भाई बहन के लिए खाने के लिए। ओके, तो होता है क्या कि जब वो खा लेते हैं तो पॉलीथीन को फेंक देते हैं, एक समोसा बच गया या फिर उसमें कोई फूड पार्टिकल्स लगा होता है, फूड पार्टिकल्स लगा होता है, तो ये फूड पार्टिकल्स जो लगा हुआ है ये पॉलीथीन पैक्ड है, पॉलीथीन पैक्ड है। ओके, तो ये पॉलीथीन वाला पैकेट इन्होंने कहाँ फेंक दिया, एक ओपन एरिया में फेंक दिया। ओके, एक ओपन एरिया में फेंक दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक काव आएगा यहाँ से घूमता हुआ। ओके, काव आया घूमता हुआ, मजे में बोला वाओ समोसा, अच्छा समोसे के पास गया, बोला इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो समोसा वाला प्लास्टिक है इसमें इसको कुछ तो मिल गया, मतलब थोड़ी स्मेल मिल गई। तो अब ये क्या करेगा, बेचारा को टेस्ट तो चाहिए, तो ये क्या करेगा, पूरा पॉलीथीन को अपने पेट के अंदर ले लेगा। ठीक है, काव अपने स्टोमेक में क्या करेगा, ले लेगा। अब क्या होगा, पॉलीथीन तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो भैया पेट तो हमारा, पेट ही है हमारा नहीं गाय का। ओके, तो ये पेट में चला गया, स्टोमेक में जाने के बाद क्या होगा, वो जाम कर देगा उसके स्टोमेक के जो भी कैनाल सिस्टम है, ओके, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम, वो क्या करेगा, जाम कर देगा। जाम समझते हो, मतलब कि उसके स्टोमेक में पेन तो होगा, उसको बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, बेचारा एनिमल्स है क्या करेगा, है ना, अधिक से अधिक क्या करेगा, बर्दाश्त कर सकता। ओके, तो वो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, और क्या होगा, वो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैटल बिकम पेशेंट और मे बी डाइट। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था कहने का कि पॉलिथीन बैग्स को जो आप फेंकते हो, गाय वेफेलो गोट कोई भी अगर खाता है, अगर उसके एलिमेंट्री कैनाल में फंस गया तो डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा, तो वो क्या मर सकता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, तो द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस बेफेलो गोट दे मे बी वो खा सकते हैं इफ दे इट। ओके, इसमें क्या बोल सकते हैं कि इफ दे इट ना, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे कि लाइक काउ बेफेलो गोट दे मे बी सोलो द प्लास्टिक्स। ओके, सोलो द प्लास्टिक विच मे बी ओके, हो सकता है कि वो क्लियर हो जाए, बट विच मे बी हार्मफुल फॉर दिस एनिमल्स। ओके, अगर आप बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं मे को अगर हटा भी दो तो ये गलत नहीं होगा। ओके, विच इज हार्मफुल फॉर दिस एनिमल्स। ओके, ये मर भी सकते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक्स को आपको नहीं फेंकना, काफ़ी हार्मफुल है। हमें क्या करना चाहिए कि जो प्लास्टिक जो आपने देखा होगा सरकार ने बीच में ऐसे रूल्स लाए थे, अभी भी बैंड है, ठीक है, तो अभी क्या आप मॉल में जाओगे ना तो आपको वो जूट वाले बैग मिलते हैं, ठीक है, जो इजिली डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके जगह पे, पॉलिथीन एंड प्लास्टिक आर वेरी यूजफुल, हमारे जीवन के लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन बट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमें ये भी पता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन शुड बी चेक्ड। अननेसेसरी जो यूज होता है प्लास्टिक्स और पॉलिथीन को, हमें उसको चेक्ड करना चाहिए। ओके, वी शुड ट्राई टू यूज पेपर एंड जूट बैग एज मच एज पॉसिबल। ओके, वी शुड यूज, हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी शुड यूज जूट बैग instead of plastic bags। ओके, प्लास्टिक बैग्स की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए जूट का बैग। द मैन्यूर मेड बाय किचन वेस्ट द मैन्यूर मेड बाय किचन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट
गार्डन वेस्ट मटेरियल्स, गार्डन वेस्ट मटेरियल्स लाइक लाइक पील्स ऑफ, लाइक पील्स ऑफ ग्रीन, लाइक पील्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. ओके, लाइक पील्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? द मैन्योर मेड बाय किचन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट मैन्योर. ओके, लाइक पील्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे कंपोस्ट मैन्योर. दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट मैन्योर. ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स. आपने देखा होगा कि अर्थवर्म को हम लोग फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि सॉइल को क्या करता है, मुलायम करता है, और फसल जो होता है वो मुलायम मिट्टी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है. इसके कारण क्या है कि जैसे सॉइल जब मुलायम होता है उसमें एयर का जो एक्सचेंज होता है वो बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला सॉइल नीचे आता है, नीचे वाला सॉइल ऊपर जाता है, चला जाता है, मतलब मिक्सअप अच्छे से हो जाता है. ओके, तो अर्थवर्म इज कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. ओके, अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स. अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड्स ही बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज डैट रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव. कहा रेडवर्म वहां नहीं रह सकता है बच्चा, वहां नहीं रह सकता जहां पे ज्यादा गर्मी है, जहां पे ज्यादा ठंडी है. तो रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट वेदर एंड और इन अ वेरी कोल्ड वेदर. उसको क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट वेदर चाहिए. ठीक है, तो हम बात करना चाह रहे हैं कि रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी कोल्ड, रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट, इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड वेदर. ओके, इट नीड्स मॉइस्चर. ओके, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम. दे ऑल्सो नीड, उनको भी मॉइस्चर चाहिए. ओके, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम. ठीक है, तो मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चा? मॉइस्चर मतलब होता है, मॉइस्चर मतलब क्या होता है बच्चा? ठीक है, वेरी गुड, समझ गया. मॉइस्चर तो समझ ही गए होंगे आप लोग. ठीक है, तो हमारा ये कहने का मतलब था कि रेडवर्म के पास क्या है बच्चा? दांत नहीं है. ये तो पहली पॉइंट आपको समझ में आ गया. अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, और जो बहुत गर्मी है बहुत ठंडी में वो नहीं रह सकता, उसको क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर बोल सकते हैं, सामान्य तापमान होना चाहिए, और उसके अगल बगल में मॉइस्चर होना चाहिए. ठीक है, तो आसानी से वहाँ रह सकता है. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अदर पॉइंट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. वर्मिंग कंपोस्टिंग का मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट. ओके, मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ कंपोस्ट, प्रिपेयरिंग ऑफ कंपोस्ट किसके द्वारा? प्रिपेयरिंग अ कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म. ओके, विथ द हेल्प ऑफ रेडवर्म, विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मिंग कंपोस्टिंग. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. ठीक है, तो ये बातें थी वर्मी कंपोस्टिंग का, इसको किया कैसे जाता है वो हम देखेंगे. ठीक है, उससे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं वर्मिंग कंपोस्टिंग का. सॉरी, तो वर्मिंग कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे. एक हमने क्या किया, गड्ढा किया, एकदम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई मसाला मिर्ची नहीं. ओके, तो ये था हमारा एक गड्ढा, इसमें हमने क्या किया, बालू को डाला, सैंड, सैंड को डाला, चिकन मैश डाल सकते हो, जाली टाइप का एक आता है उसको आप डाल सकते हो, बालू डाल सकते हो, काउडंग केक जो गोईठा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में उसको आप डाल सकते हो, ऐसे तोड़ के, मतलब ड्राई ड्राई रहेगा. इसके बाद जब हमने इसके ऊपर इतने सारे सामान डाल दिए, मतलब अभी तक हमने इसमें क्या क्या डाला, ठीक है, डाल सकते हैं वो भी हम लिखेंगे, काउडंग केक, काउडंग केक और चिकन मैश,
मेस मतलब होता है जाली, ओके, चिकन मेस, ये हमने दो चीज़ें हम एग्जांपल्स पे ले रहे हैं। इसके बाद हम इस पर क्या डालेंगे, इसके ऊपर से वेजिटेबल वेस्ट, ओके, वेजिटेबल वेस्ट को लेंगे, फ्रूट ले सकते हैं हम लोग, है ना, फ्रूट वेस्ट मटेरियल को ले सकते हैं, ठीक है, फ्रूट वेस्ट मटेरियल को ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, पानी मारेंगे, पानी मतलब ऐसे फुहारा देंगे, ठीक है, मतलब ऐसा पूरा मग से नहीं डालेंगे, हल्का हल्का देके इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का देके भिगा देंगे, ठीक है। तो हल्का देके क्या करेंगे, वाटर देंगे, वाटर का मतलब स्प्रिंकलर करेंगे, मतलब स्प्रिंकिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा देके क्या करेंगे, भिगा देंगे, पूरा नहीं भिगाएंगे, और ना ही इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ना ही इसको दबाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, एकदम घूमते हुए जाएंगे, ऐसे ऊपर देखते हुए नहीं, नीचे देखते हुए जाएंगे, और क्या लिखाएंगे, रेड बॉम, ठीक है। अब हम यहाँ जाके क्या लेके आएंगे, रेड बॉम लेके आएंगे और छोड़ देंगे, और इसको कवर कर देंगे किससे, एक हल्का सा बैग से, मतलब कपड़े से कवर कर देंगे। और इसको खाने के लिए क्या देंगे, ये भी मैं बता देता हूँ, आपको इसको खाने के लिए देना है समोसा, चॉप, मैगी, पागल कहीं के, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है, नमक का चीज़ बिल्कुल नहीं देना है, मसाला का चीज़ बिल्कुल नहीं देना है। आप क्या दोगे, वेजिटेबल पिल्स दोगे, फ्रूट के जो ऊपर के पिल्स होते हैं वो दोगे, या फ्रूट के वेस्ट मटेरियल दे सकते हो उसको खाने के लिए, और बिल्कुल तेल मसाला का चीज़ अगर दोगे तो ये क्या होगा, मर जाएगा, ओके। तो ये बातों का ध्यान रखना, इसके पास इससे क्या होगा, वर्मिंग कंपोस्टिंग जो आपका रेड वार्म है उसकी संख्या होगी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब थोड़ा ज़्यादा समय हो जाएगा तो आप क्या करोगे, हल्का सा जब एक दो वीक हो जाएगा तो हल्का सा क्या करोगे, इसको पलट दोगे, मतलब हल्का सा क्या करोगे, कवर कर दोगे, है ना, हल्का सा उधर से घुमा के इधर कर दोगे, इधर से घुमा के उधर कर दोगे, होता है ना, जैसे हम लोग सोते हैं तो इधर से करवट लेते हैं, फिर इधर से भी करवट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इधर का माल इधर कर देंगे, ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल्स, ओके। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन वर्मिंग कंपोस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एक्सरसाइज सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा आता है तीसरा नंबर पे आता है कि वर्मिंग कंपोस्टिंग के अलावा गिजार्ड, ओके, गिजार्ड मैंने आपको बताया था गिजार्ड क्या होता है, ठीक है, रेडवाम के टेतनी होते हैं, उसको उसका एक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज कॉल्ड गिजार्ड। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ओके, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ओके। तो ये सब क्वेश्चन का आप ध्यान में रखेंगे, मैन्योर क्या होता है वो आप देख लेंगे, उसके बाद हम कैसे पीपल्स को, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप वेस्ट मटेरियल को कम से कम फैलाइए और अधिक से अधिक यूज़ करिए। तो आप जो भी क्लासेस किए बहुत अच्छे, आपके एग्जाम नियरेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, जोश में रहिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए और आगे बढ़िए। गलती होगी, गलतियाँ भी होगी, गलतियाँ करो लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। ज़िंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है, ज़िंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है जो ठोकरे खा के सीख जाता है, ठीक है। ये लाइनें मैंने कहीं छापी नहीं है, अपने आप आ जाती है बस। जो इंसान ठोकर खाएगा, जो इंसान गलती करेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, और जब एक्सपीरियंस होगा तो चलना सीख जाएगा। ठोकर खाना जरूरी है, गंदे लोगों से मिलना भी जरूरी है ताकि अच्छों का अनुभव भी हो सके, ठीक है। बुराइयों से भी लड़ना जरूरी है ताकि अच्छाई का एहसास हो सके, ठीक है। हमें गंदे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बुराई करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन ठहरना है, पेशेंस मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ी दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। इंसान जैसा होता है वैसे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब भी किसी से दोस्ती करो तो पहले ही समझ जाओ कि सामने वाले से आपकी बन सकती है या नहीं बन सकती। नहीं बन सकती है, कट लो मतलब दूरी बना लो। ऐसा फिर अचानक किसी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, सोच समझ के किसी के दोस्ती करो। कोई आपका फ्रेंड सर्किल है देख लो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे से दोस्ती रखो, खेलने वाले बच्चे हो, पढ़ने वाले से भी रखो, खेलने वाले से भी रखो, क्योंकि आप किसी से दूर नहीं हो सकते, लेकिन आपका जो सोच है उसी सोच वाले व्यक्ति के करीब रहोगे। वैसा ही सोचते हो जो कि आप वो आदमी सोचता है, मतलब सोच तो सबका डिफरेंट है, बट जैसे होता है कोई बात नहीं, पढ़ने वाला है किसी कोई, तो उससे करीब रहोगे तो आपके क्या होगा, जैसे बोलते ना, जैसे लोगों के साथ रहते वैसी आदतें आ जाती, तो जैसा रहोगे वैसा सीखोगे। तो अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे व्यवहार सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। झेलो सीखो,
झेलो सीखो, ये आएगा धीरे धीरे, बड़े होते जाओगे एक्सपीरियंस होते जाएगा और सीखते चले जाओगे। इसलिए आगे बढ़ो, जीवन में कोई दिक्कत है पूछो, कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं मिलता है मैसेज ठोक दो, दे दो मैसेज, सर नहीं आता ये वाला क्वेश्चंस, मैं हूँ जिंदा हूँ आपके लिए समझाने के लिए, बस पढ़ते रहो, अब से रेगुलर क्लासेस मिलेंगे आपको, धन 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 मिलेगा, और आप फटाफट इवनिंग मॉर्निंग जो भी मिलता है आप फटाफट क्या करोगे, रेडी रहोगे मसाले के लिए, और सारा मसाला MDH मसाला, राकेश मसाला, ठीक है, पंकज मसाला, राकेश मसाला, सब मिलेगा, सब मसाला आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि सब्जी कैसे भी बनाओ टेस्ट आना चाहिए। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।